नमस्कार दोस्तों, जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 24 अक्टूबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्यदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्यदेव भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार, आज की तृतीय चतुर्थी, आज का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, पच चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:43 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है शाम 4:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 8 और शुभ रंग है पीला, लाल और सफेद। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि कठिन समय में चाणक्य की कई इन बातों पर अमल करने से दूर हो जाएगी परेशानी। अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल वक्त में लोगों की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, यही वजह है कि व्यक्ति को जान माल की हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आचार्य चाणक्य के इन 5 बातों का बेहद काम आएंगे। दरअसल चाणक्य नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने विपत्ति के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बात के बारे में बताया है। नंबर 1, मुश्किल वक्त आने से पहले हो जाए सावधान। आचार्य चाणक्य के अनुसार मुसीबत के समय सावधानी बरतना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं जबकि चुनौतियां बड़ी होती हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सावधानी बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, बनाए ऐसी रणनीति जो कारगर हो। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में यह कहते हैं कि व्यक्ति को संकट काल से उभरने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति संकट के समय उससे उभरने की रणनीति बना लेता है तो वह उस नीति के मुताबिक चरण सीमा की बुद्धि से कार्य करता है और अंत में विजय पाता है। नंबर 3, परिजनों की सुरक्षा ध्यान रखें। चाणक्य की नीति के अनुसार संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना आपका एक पहला कर्तव्य होना चाहिए। परिवार के लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संकट के समय में अपने परिवारजनों का साथ निभाना चाहिए। अगर उनके ऊपर किसी तरह की मुसीबत आन पड़ी है तो आपको उन्हें उस मुसीबत से निकालना चाहिए। नंबर 4, सेहत का ध्यान रखें। चाणक्य नीति के अनुसार संकट काल परिस्थिति में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप वो प्रयास कर पाने में सक्षम रहेंगे जो आप चाहते हैं, जो आपको संकट से उभार कर आपको बाहर निकाल सकता है। आप मानसिक और अपने शारीरिक बल से चुनौतियों को मात देने में सफल रहेंगे। नंबर 5, धन की बचत करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर आपके पास धन का प्रबंध ठीक है तो आप बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हैं। दरअसल संकट एक सच्चा मित्र है। जिस पर व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है उसके लिए संकट से उबर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। दोस्तों आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों सेहत से जुड़ी परेशानियां असहायता का कारण बन सकती हैं। कार्य क्षेत्र में या कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आज आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं, ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। आप खुद को ऊर्जा से सरोवर महसूस करेंगे। इस ऊर्जा का प्रयोग आपको कामकाज के प्रति करना चाहिए।
परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे। यह दिन आपके जीवन साथी के रोमांचक पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आप किसी ऐतिहासिक इमारत के आसपास सैर सपाटे पर की योजना बना सकते हैं। इससे बच्चे और परिवार के सदस्यों को जरूरी ताजगी मिलेगी और वो खुश रहेंगे। चोट व रोग से हानि के योग है, बुद्धि से कार्य करें, कार्य सिद्धि होगी। परिवार रिश्तेदार मिलने आपके घर पर भी आ सकते हैं। आपके व्यवहार में बदलाव होगा जो आपके कामकाज के लिए उत्तम होगा, लेकिन आपकी आय कुछ खास नहीं होगी। आरोग्य के प्रति लापरवाह ना रखें, वरना मान प्रतिष्ठा आपकी भंग रह सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, रुका हुआ पैसा आपको टुकड़ों में मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी। पैसे को सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता है। आसपास के व्यक्तियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में विजय आपकी निश्चित है, इसलिए प्रयत्नशील रहें। काम की स्थिति, आप अपने काम की स्थिति पर अपने आत्मबल से आप भरोसा रखें। आज आपकी भावनाएं ऊपर और नीचे होते हुए रहेंगी। कुछ पुराने रिश्तों को रिफ्रेश करने और कुछ नए बनने की संभावना दिख रही है। यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करें कि आपका कार्यक्रम पूर्णता के लिए नियोजित हो जाए। किसी मीटिंग में देर से आना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, अपने सामान्य फिटनेस शासन को बदलें और अपने शरीर को फिर से जीवन दें। आप निष्पक्ष और कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों से परेशान या नाराज महसूस करना पूरी तरह से आपके लिए ठीक है। भले ही यह उचित ना हो, आखिर तुम इंसान ही हो। परिवार में होने वाले किसी समारोह में आपकी मेजबानी धाक जमाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में आपको निवेश करने का मौका मिल सकता है। प्रॉपर्टी के कुछ मामले फायदेमंद हो सकते हैं। पारिवारिक परिवार जीवन के लिए यह समय मिला जुला नजर आ सकता है। भाई बहनों को आपको इस स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। आप अपनी मानसिक शांति बरकरार रखने में सफल रहेंगे। प्रेमी आपकी मनोभावों की कदर करेगा, उनसे प्राप्त हो रहा सहयोग आपको मानसिक तौर पर मजबूत रखेगा। सेहत को लेकर लापरवाह ना रखें, ज्यादा काम करने की वजह से आपको शारीरिक थकान संभव है। नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छे माहौल का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। बिजनेस में आपको विदेशी क्षेत्रों से आपको फायदा मिलेंगे आशा दिख रहा है। आर्थिक मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा और आपके हक में भी रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना तथा अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना आपको सफलता देगा। आप अपने बातचीत से तमाम बाधाएं दूर करके आगे बढ़ेंगे। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी तथा समय हंसी खुशी व्यतीत होगा। कभी कभी आपके स्वभाव में आवेश और गुस्सा जैसी स्थिति आपके सामने आएगी, जिसका असर संबंधों पर भी पड़ेगा। खर्चों की अधिकता की वजह से बजट का ध्यान रखें। कभी कभी बहुत अधिक सोचने विचारने से समय हाथ से निकल जाता है। व्यवहार जीवन खुशहाली रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात से पुरानी यादें फिर से तरोताजा होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर की। तो दोस्तों, इंश्योरेंस और पॉलिसी संबंधी बिजनेस में फायदा होने की स्थिति दिख रही है, लेकिन प्रतिस्पर्धा ज्यादा होने से मेहनत भी ज्यादा रहेगी। इस वक्त हर गतिविधि पर आपको ध्यान देना जरूरी है। नौकरी पेशा वाले लोगों का अपने उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। या दोस्तों, प्रेम के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, आप विवादों से दूर रहें और किसी के कहने पर आप कोई काम ना करें और ना किसी के दबाव में आकर करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और अपने प्रेमी प्रेमिका पर भरोसा रखें और एक दूसरे से संलग्न रहें, क्योंकि आज का दिन आपके प्रेम के लिए अच्छा दिन रहेगा। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। और साथ ही आपको बताएं कि आपके प्रेम जीवन को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आज आप उनकी किसी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो दोस्तों, आज स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी। आज किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने से कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके चलते आज आप अपने आप को तन मुक्त व तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। और दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खानपान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।